नमस्कार, मैं लिंस जेम्स, सबको कांदारी ब्लॉग में स्वागत। हम डिस्कस करेंगे आज कॉमन फ्लू और वायरल फीवर के बारे में, कैसे हमको मैनेज करना पड़ेगा। ये वायरल फ्लू सबको होते हैं, स्पेशली सीजन वाइज, हर सीजन चेंज में फीवर होने का चांस बढ़ते हैं। मैं जो डिस्कस करते हैं, ये जो टॉपिक सबसे ज़्यादा काम आएगा, ये लेबर कैंप में रहने वाला लोग और एक्सट्रीम क्लाइमेट में काम करने वाला लोग, उन लोगों को ये, और जिसको ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं जो वीडियो बना रहे हैं। आप वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको सबसे सस्ता तरीके से कॉमन फ्लू, वायरल फीवर, ये बॉडी पेन वगैरह को मैनेज कैसे करना है उसको जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेगा ये कॉमन फ्लू और वायरल फीवर में सिम्टम्स क्या होते हैं। उसमें गलत तरीका हम लोग जो आजकल प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है, और सही तरीका क्या है, कैसे मैनेज करना है। सिम्टम्स नॉर्मली नाक पूरा ब्लॉक होते हैं, गला दुखते हैं, मुंडी पकड़ते हैं और कान दर्द होते हैं, बॉडी में दर्द होते हैं, टोटल थकावट महसूस होते हैं। सबसे पहले हम देखेगा ये गलत तरीका आजकल प्रैक्टिस बहुत सारे लोग करते आते हैं, मैं देखा है। नाक ब्लॉक हो गया, वो ओपन करने के लिए एक नाक का बंद करके बहुत जोर लगा के कोशिश करते हैं ओपन करने के लिए। उसी के वजह से प्रेशर अंदर बढ़ते हैं, सॉफ्ट टिश्यू खराब होते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। और गला साफ करने के लिए डिलीबरेटली खांसी ये सब करके सफाई करने का कोशिश करते हैं, वो भी सॉफ्ट टिश्यू खराब होने का और इन्फ्लेमेशन बढ़ने का प्रॉब्लम होते हैं, हमारा बीमारी बड़ा कर देते हैं। उल्टा हम क्या करना मांगते हैं, वे एक्सप्लेन करेगा, ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको जानकारी मिलेगा। फर्स्ट थिंग, नाक ज़्यादा ब्लॉक रहेगा, जोर से सफाई करने का कोशिश नहीं करने का, और उसका जगह पे गर्म पानी का बाव लेने का, दो क्लोव और थोड़ा जीरा वगैरह कुछ डाल के उसका बाव अच्छा से लेने का, और गर्म पानी में, हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करने का, गुलासा करने का या गार्गल करने का, वो बीच बीच में करने का। और गर्म पानी में जो नमक डाल के हम पानी बनाया उसी का दो तीन ड्रॉप्स नाक में डाल के देना, तभी ये जो ब्लॉक रहेगा और खोलने का काम आएगा। उसके बाद में धीरे सफाई करने का। और कान में दुखते हैं तो अब हम ये स्टीम लेने का, वो भी कान में भी थोड़ा सा स्टीम लगा देने का, और नहीं तो बाब लगाने का, तभी वो इन्फ्लेमेशन कम दी होने के लिए और दर्द सही कम दी होने के लिए काम आएगा। और दूसरा गलत प्रैक्टिस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या ठंडा पानी पीते हैं। वो ठंडा पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल पीना नहीं चाहिए, उल्टा गर्म पानी या गर्म दूध बीच बीच में पीते रहने का। और अदरक, क्लोव, काला मिर्ची वगैरह डाल के बीच बीच में चाय या पानी बना के पीते रहने का, कॉफ़ी भी बना के पीते रह सकते हैं। ये सब चीज करते जाएगा, हमारा ये सिम्टम्स कम भी होएगा। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और थकावट और बॉडी पेन कंट्रोल करने के लिए अपने को जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिंस, पैरासीटामोल या एलर्जी कंट्रोल करने के लिए सिट्रिसिन टाइप मेडिसिंस डॉक्टर का एडवाइस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है हमारा यूरिन का कलर देखने का, वो पीला बिल्कुल नहीं रहना मांगता है, ज़्यादा पानी पीने का, मतलब हाइड्रेट रखने का। दूसरा एक गलत प्रैक्टिस है, हमारा नाक से जो सेक्रीशन्स है
मुख का सेक्रेशंस इधर उधर फेंक देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। टिश्यू में लेना है और या टॉवल में लेके प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करने का है। ये दूसरे को भी फैलने का प्रॉब्लम होते हैं या खुद को क्रॉस इन्फेक्शन अगेन होने का चांसेस बढ़ते हैं। जब भी वायरल इन्फेक्शन रहेगा तभी अच्छा से रेस्ट लेना जरूरी है और प्रॉपर खाना खाने का, वो भी गर्म। नॉर्मली 6 to 7 days में ये सही हो जाएगा, उल्टा सही नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे महसूस होगा तो ही हॉस्पिटल जाना जरूरी है। आपको वीडियो पसंद हो गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका दोस्त को भी हेल्प मिलेगा, आप शेयर कर दीजिए और आपका जो भी कमेंट्स है डाल दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। दोबारा एक दूसरा अच्छा टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।